चकराता विधानसभा के कालसी ब्लॉक में भारी बारिश से तबाही हुई है। एक पुल बह गया है, साथ ही सड़क का 50 मीटर हिस्सा बह गया और वहीं किसानों की फसलें भी तबाह हुई। और यहाँ बहुत ही भयंकर आपदा आई है आज, गाँव के लोग आए हैं देखने, बहुत ही नुकसान हुआ है इस आपदा से। यहाँ रोड थी जहाँ पर ये खड़ से सब बह गया, ये जो रोड यहाँ पर। चकराता में आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश तबाही दी है। कालसी ब्लॉक में बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से एक पुल बह गया तो वहीं सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। ये नीचे का यहाँ पर हमारे गांव के लिए दो पंजा जो मोटर मार्ग था उसका पुल था, यहाँ पर जो हल्का सा दिख रहा है अभी वो सब दब गया है और आधा पुल टूट गया है। बारिश ने इस इलाके में हाल बेहाल कर दिया है। ग्रामीणों के खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अदरक की फसल की हालत देखिए, इसे बारिश ने कैसे तहस नहस कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जो अदरक है ये पूरा उखड़ गया है। अदरक ये अदरक पूरा उखड़ गया है। बहुत मेहनत लगती है इसको उगाने में अदरक को। इसके साथ ही धान, टमाटर और दूसरी कई फसलें भी बारिश की भेंट चढ़ गई। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने फसल को चौपट कर दिया है। टमाटर का नुकसान हो गया तो उसमें अब टमाटर बचे ही नहीं थोड़े भी भाई। थोड़े ये देखो अभी आपके सामने है, यही बचे हुए इधर के तो सारे। अच्छा, ये सारा ये यहाँ के जो टमाटर थे वो सारे तबाह हो गए हैं। पूरी फसल आज इन्होंने टमाटर को तोड़ने का प्लान बनाया था और बेचने के लिए ले जाते ये मंडी में, लेकिन ऐसी आपदा आ गई है जिस कारण से ये टमाटर तोड़ नहीं पाए और सारे टमाटर जो है बह गए हैं। जहाँ नजर डालो या तो मलबा बिखरा है या फिर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में पत्थर भरे हुए हैं जिस वजह से अब यहाँ खेती कर पाना भी मुश्किल है। जो हल्का था वो भी दब गया है, पूरी तरह से ये दब गया है। और ये खेत भी है, ये थोड़ा ही थोड़ा बचा है जिसमें खीरे की फसल है अभी। अनाज पीसने के लिए लगाए गए घराट भी तबाह हो गए। पानी के साथ बहकर आए मलबे ने घराट को बर्बाद कर दिया। यहाँ घराट की ओर ले चलते हैं। ये घराट यहाँ पर एक घराट था, घराट भी बह गया है। और जो ये घराट का यहाँ पत्थर ही पत्थर बचा है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगले कुछ रोज सावधान रहने की जरूरत है, मगर क्या पता था कि बारिश इस तरह से मुसीबत लेकर आएगी। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई, अब उसे सरकार से ही मदद की आस है। एक दो पौधा ये बचा भी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन उनकी कई मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई। संगठन के नेताओं के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, राज्य संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रभारी दुष्यंत गौतम शामिल रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान सामने आया है। बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सितंबर तक के कार्यक्रमों को तय किया गया। सभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। अगले दो दिनों में मोर्चा की बैठक।